प्याज, राजमा, लहसुन, हल्दी, मिर्ची, जीरा, धनिया, गरम मसाला, तेज़पत्ता, नमक। अब कुकर को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें पानी दे देंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और गरम मसाला। कुकर को हम बंद करके दो सीटी लगा देंगे इसमें। तेल डाल देंगे, अभी आप तेज पत्ता डाल देंगे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, प्याज मेरे भुन गए हैं। अब मैं आलू और राजमा दे दूँगी और इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मसाला ऐड करूँगी। इसमें अब मैं मसाला ऐड करूँगी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा का पाउडर, हल्दी, नमक। राजमा जो बॉईल किया हुआ पानी है इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, क्योंकि वो पहले से तो कुक है, पहले दो तीन सीटी इसमें दे दिया, इसलिए इसे अभी सीटी मराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सूख जाने के बाद हमारा राजमा तैयार हो जाएगा।